इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो यदि आप लोग भाग बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप भाग बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें 15 से भाग देना है इस संख्या में। तो देखिए, जब भी आपको भाग का सवाल मिलेगा ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जिस भी संख्या से भाग देना होगा ना, उस संख्या के पहाड़ा को कहीं पर लिख लीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमें 15 से भाग देना है इस संख्या में, इसलिए हमने क्या किया है कि 15 के पहाड़ा को यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें करना क्या है, तो देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि कितना संख्या है, यानी कि कितने अंकों का संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, 2 अंकों का संख्या है, तो इधर से हम 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पर 2 अंकों का संख्या है, तो इधर से हम 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पर 1 अंक का संख्या रहेगा, तो यहाँ से हम सबसे पहले 1 अंक लेंगे। अब यहाँ पर 2 अंकों का संख्या है, इसलिए यहाँ से हमने 2 अंक ले लिया है। अब हमें यह देखना है कि यह जो संख्या है क्या है, यह है 90। यह संख्या इससे छोटा तो नहीं है ना, तो 90 जो है 15 से बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है। अब हमें यह करना है कि 15 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि क्या 15 के पहाड़ा में 90 है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहाड़ा लिखा हूँ और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि जिस भी संख्या से भाग देना होगा उस संख्या का पहाड़ा को कहीं पर लिख लीजिएगा। तो हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसमें 90 है या नहीं। तो देखिए, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90। 15 के पहाड़ा में 90 है, 90 है, ठीक है, लेकिन कितने बार में है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 बार में 90 है। तो जितने बार में आता है ना, उसको इधर में लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 और 90 है ना, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 90। उसके बाद क्या करना है, तो इस तरह से चिन्ह खींचना है और इसे आपस में घटाना है। तो देखिए, 0 मले 0 घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 9 मले 9 घटेगा तो भी 0 बचेगा। तो भागा का एक नियम होता है कि यदि समान संख्या इस तरह से रहता है तो 0 न लिखकर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अब हम अगला संख्या उतारेंगे। यहाँ पर तो कुछ संख्या नहीं बचा है, यदि संख्या बचता तो हम एक संख्या उतारते, लेकिन यहाँ पर हम अब 2 संख्या उतारेंगे। यहाँ पर 8 है ना, इस 8 को हम यहाँ पर उतारेंगे। यह 8 है, 15 से छोटा है ना, यदि बड़ा होता तो हम रहने देते, लेकिन छोटा है ना, तो हम दूसरा संख्या भी उतारेंगे यहाँ पर इसके साथ में। यह जो 7 है ना, यह भी इसके साथ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक भागा का और नियम काम करेगा। भागा का नियम यह कहता है कि जब ऊपर से एक साथ 2 संख्या उतरती है भाग बनाते समय, तो इधर भागफल में 1 0 लगाया जाता है। तो ऊपर से हमने एक साथ 2 संख्या उतारा है ना, इसलिए भागफल में हम 1 0 लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए, यहाँ पर हो गया है 87। अब हम फिर से 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसके पहाड़ा में 87 है या नहीं। तो देखिए, 15 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90। 15 के पहाड़ा में 87 नहीं है, 87 नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, जब इस तरह से जब पहाड़ा का नहीं रहता है तो यह किया जाता है, यह हम देखेंगे कि 15 के पहाड़ा में वो कौन सी संख्या है जो 87 से कम भी है और 87 के बिल्कुल नजदीक में है। तो 15 के पहाड़ा में वो कौन सी संख्या है जो 87 से कम भी है और 87 के बिल्कुल नजदीक में है। तो देखिए, यहाँ पर 75 है। इस तरह से तो 75 के नीचे जितना भी संख्या है सभी यह 87 से कम है, लेकिन जो 87 के सबसे नजदीक में होगा ना, उसी संख्या को हमें लिखना है। तो 87 के सबसे नजदीक में क्या है, यह है 75। इसके बाद यदि हम 15 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा, जो कि अधिक हो जाएगा। तो हमें अधिक नहीं लेना, हमें कम वाला ही लेना है। अब 75 है, 75 कितने बार में आता है, तो देखिए, 1 2 3 4 5 बार में आता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। और इसे भी हमें क्या करना है, इसे भी हमें घटाना है। तो देखिए, 7 मले 5 घटेगा, क्या बचेगा, यह बचेगा 2। 7 मले 5 घटेगा तो 2 बचेगा। यह जो है 8 है, 8 मले 7 घटेगा तो क्या बचेगा, यह बचेगा 1। अब यह क्या बचा है, यह बचा है 12। 12 15 से कम है ना, तो हम एगो और अंक उतारेंगे ऊपर से। तो यहाँ से उतरेगा क्या, यहाँ से उतरेगा 6। अब यह क्या बन गया है, अब यह बन गया है 126। अब हम फिर से 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 15 के पहाड़ा में क्या 126 है या नहीं। तो देखिए,
पंद्रह पंद्रह दूनी तीस, पंद्रह तिया पैंतालीस, पंद्रह चौके साठ, पंद्रह पाँच पचहत्तर, पंद्रह छक्का नब्बे, पंद्रह सात 105, पंद्रह आठ 120 और पंद्रह नवा 135। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 15 के पहाड़े में 126 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम यह करेंगे कि 15 के पहाड़ा में के हम वह अंक लेंगे जो 126 से कम भी हो और इसके बिल्कुल नजदीक भी हो। तो देखिए यहाँ पर 15 के पहाड़ा में वो 120 ही वो अंक है ना जो 126 से बिल्कुल नजदीक में भी है और कम में भी है, क्योंकि इसके आगे यदि हम 15 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो यह आता है 135 जो कि इससे अधिक हो जा रहा है। तो हमें इससे अधिक वाला नहीं लेना है, इससे कम वाला लेना है। तो यह है 120। अब 120 आ कितने बार में रहा है, तो 120 जो है ना यह 8 बार में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 120 कहाँ पर होगा, तो 120 होगा यहाँ पर 120। और फिर से हमें इसे क्या करना है, तो आपस में घटा देना है। तो देखिए 6 मले 0 घटेगा, 6 बचेगा, उसके बाद यह समान संख्या है इस तरह से कट जाएगा। अब इधर कोई भी संख्या नहीं है तो इस भाग को हम इसी तरह से छोड़ देंगे और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब यह भाग बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग तो भाग तो बनाना सीख गए हैं, लेकिन अब हम यह समझ लेते हैं एक भाग में होता क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर भाग देने के बाद जो इधर में बचता है ना किनारे में, इसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भागफल। भाग देने के बाद जो फल मिलता है उसे ही कहा जाता है भागफल। तो यह हो गया भागफल। और भाग देने के बाद नीचे में जो संख्या बचता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं शेष। भाग देने के बाद नीचे में जो संख्या बच जाता है उसे कहा जाता है शेष। अब देखिए जिस संख्या से हम भाग देते हैं ना उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाजक। जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उस संख्या को कहा जाता है भाजक। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे कि हम इस संख्या में भाग दे रहे हैं ना, तो इस संख्या को जानते हैं क्या कहा जाता है, इस संख्या को कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है, इस संख्या को कहा जाता है भाज्य। देखिए जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। भाग देने के बाद जो इधर संख्या बचता है उसे कहते हैं भागफल। भाग देने के बाद जो नीचे में संख्या बचता है उसे कहते हैं शेष।